होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आप सभी को होली की खूब खूब शुभकामनाएं हो। और श्री प्रिया जी के संग श्री बांके बिहारी जी उत्तम होली खेल रहे हैं। ब्रिज में सुंदर गुलाल चारों ओर छाया हुआ है। रंग भरी एकादशी बरसाने की अपनी होली, लठमार होली, नंदगांव की लठमार होली और आने वाला हुरंगा है। पूरे ब्रिज में उत्सव का माहौल है। और हमारे ब्रिज के लिए तो कहावत है कि जग होरी और ब्रिज होरा। महाराज, जग में तो एक दो दिन की होली होती है और पूरे अपने ब्रिज में 40 दिवस का ये होली का महोत्सव होता है। खूब आनंद से हम लोग इस होली को मनाते हैं। अब एक बार ये विचार करने की आवश्यकता है, ये होली का उत्सव हम किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो कथा आप सबको पता है कि दुष्ट हिरण्यकश्यपु होता है, उसका पुत्र प्रहलाद होता है, प्रहलाद भगवान का भक्त होता है और होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन होती है उसमें प्रहलाद को भस्म करने का इन लोगों का योजना होता है, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं होगी। वो प्रहलाद जी को लेके बैठती है और होलिका का दहन हो जाता है। जिसको वरदान मिला है कि आग में नहीं जल सकती, वो जलकर राख हो जाती है। सारे देवता खड़े हो जाते हैं, भगवान से प्रश्न पूछने लगते हैं, हे प्रभु, आपने क्या न्याय बदल दिया? जो वरदान दिया था उसी को पलट दिया? तो प्रभु बोले, नहीं, मैंने तो अपने वरदान की बात रखी, होलिका आग में नहीं जली। तो प्रभु, होलिका जली कैसे? तो कहा, जो अपराध भक्त पर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। तो जो भक्त पर अपराध करता है, महाराज, होलिका की तरह जल जाता है। और हम सभी वैष्णवों का ये परम उत्सव है। ये उत्सव हमें बताता है कि भगवान हमारी रक्षा के लिए तैयार है, तत्पर है, हर समय हर क्षण भगवान हमारी रक्षा के लिए हैं। इसी उत्सव में हम रंग लेकर आ जाते हैं और यही छटा ब्रिज में छा जाती है। और गोविंद के संग, श्री वृंदावन बिहारी के संग, श्री द्वारिकानाथ के संग हम खूब होली का आनंद लेते हैं। आप सबको खूब मंगल कामना। खूब ठाकुर जी आपको होली का आनंद प्राप्त करे। और बोलो होली के रसिया की जय।